ओम शांति। आज 2 मार्च 2021 के मधुर महावाक्य है और हम सभी जानते हैं शिव जयंती आ रही है। तो बाबा कहे तुम बच्चों को सबको शिव बाबा का यथार्थ परिचय देना है। मनुष्य ने ईश्वर के लिए क्या क्या कह दिया कि वह नाम रूप से न्यारा है। बाबा कहे उन्हें पूछना चाहिए कि अगर नाम रूप से न्यारा है तो गीता में तो भगवान के सामने अर्जुन कहता है, बस करो प्रभु, मैं ये तेज सहन नहीं कर पा रहा हूं। तो ऐसा असहनीय तेज जिसका है दिव्य तेजोमय स्वरूप जो है, तो ये परमात्मा का यथार्थ स्वरूप है। तो बाबा हम बच्चों को भगवत गीता की जो सत्य बातें हैं वो हमें स्पष्ट कर रहे हैं। बाबा कहे तुम्हें सदगति के लिए बहुत न्यारी मत मिलती है। और न्यारी मत क्या है? तो जैसे भगवान ने अर्जुन को गीता में कहा, सर्व धर्म परित्यज मामेकं शरणं व्रज। तो बाबा भी बच्चों को कहते, बच्चे देह के सब धर्म को छोड़ आत्म अभिमानी भव और मामेकं याद करो। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे तुम्हें सदगति की सबसे न्यारी मत मिली है कि देह के सब धर्म त्याग आत्म अभिमानी भव मामेकं याद करो। प्रश्न है, जो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहते हैं उनसे तुम कौन सा प्रश्न पूछ सकते हो? उत्तर है, उनसे पूछो गीता में जो दिखाते हैं अर्जुन को अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, बोला बस करो हम सहन नहीं कर सकते, तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? उनकी ही बातों से उनको प्रश्न कर। बाबा कहते हैं, मैं तो तुम्हारा बाप हूं। बाप का रूप देखकर बच्चा खुश होगा, वह कैसे कहेगा कि मैं सहन नहीं कर सकता हूं? आज की मुरली का गीत है, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर देरे झोली। ओम शांति। भक्त कहते हैं, हम बहुत कंगाल बन गए हैं, हे बाबा हम सबकी झोली भर दो। भगत गाते रहते हैं, जन्म बाय जन्म सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहां पावन देवी देवता होते हैं। भक्तों को कभी देवता नहीं कहा जाता, जो स्वर्गवासी देवी देवता होते हैं वह फिर पुनर्जन्म लेते लेते नरकवासी पुजारी भक्त कंगाल बनते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बाप को एक भी मनुष्य नहीं जानते। बाप जब आए तब आकर अपना परिचय देवे। भगवान को ही बाबा कहा जाता है, सब भक्तों का है एक भगवान, बाकी सब है भगत। चर्च आदि में जाते हैं तो जरूर भक्त ठहरे ना, इस समय सब पति तमो प्रधान है, इसलिए सब पुकारते हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ, हे बाबा हम भक्तों की झोली भर दो। भक्त भगवान से धन मांगते हैं, तुम बच्चे क्या मांगते हो? भक्त तो भगवान से धन मांगते हैं, हम बच्चे क्या मांगते हैं? तुम कहते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाओ, वहां तो अथाह धन होता है, हीरे जवाहरत के महल होते हैं। अभी तुम जानते हो हम भगवान द्वारा राजाई का वर्षा पा रहे हैं। यह सच्ची गीता है। वह गीता नहीं, वह तो पुस्तक आदि भक्ति मार्ग के लिए बनाए हैं। क्योंकि जब गीता में कहा जाता कि ज्ञान प्रायलोक हो जाता है
तो फिर ये पुस्तक कहाँ से आई है? तो इसीलिए बाबा कहे ये मनुष्य ने बनाई है भक्ति मार्ग के लिए, उनको भगवान ने ज्ञान नहीं दिया। भगवान तो इस समय अधर्म के समय नर से नारायण बनाने लिए राजयोग सिखाते हैं। राजा के साथ प्रजा भी जरूर होगी, सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे, सारी राजधानी बनती है। अब तुम बच्चे जानते हो कि भगवान कौन है, और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। बाप कहते हैं, तुम कहते हो ओ गॉड फादर, तो बताओ तुम्हारे गॉड फादर का नाम रूप देश काल क्या है? न भगवान को जानते हैं, न उनकी रचना को जानते हैं। बाप आकर कहते हैं, कल्प कल्प के संगम पर आता हूं, सारी रचना के आदि मध्य अंत का राज मैं रचता ही आकर समझाता हूं। कई तो कहते हैं वह नाम रूप से न्यारा है, वह आ नहीं सकता। तुम जानते हो बाप आया है, शिव जयंती भी निराकार की गाई जाती है, तो कृष्ण जयंती भी गाई जाती है। अब शिव जयंती कब होती है वह मालूम होना चाहिए ना, जैसे क्रिश्चियन को मालूम है कि क्राइस्ट का जन्म कब हुआ, क्रिश्चियन धर्म कब स्थापन हुआ। यह तो है भारत की बात, भगवान भारत की झोली कब भरते हैं, भगत पुकारते हैं हे भगवान झोली भर दो, सदगति में ले जाओ क्योंकि हम दुर्गति में पड़े हैं। तमो प्रधान है, आत्मा ही शरीर के साथ भोगती है। कई मनुष्य साधु संत आदि कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, कई मनुष्य क्या साधु संत आदि भी कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, कहते भी है कि अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में रहते हैं। अभी दोनों कंट्रोवर्सी हो गई, निर्लेप है तो कुछ लिपछेप नहीं लगता, और फिर कहते अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में रहते हैं, उस आधार पर आत्मा जन्म लेती है, फिर कहते हैं आत्मा तो निर्लेप है। कोई भी बुद्धिमान मनुष्य नहीं जो समझाए, इसमें भी अनेक मत है जो घर से रूठते तो शास्त्र बना देते हैं। द्वापर युग में जो घर से निकले बाहर चले गए वो बैठ करके शास्त्र बना देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता है एक, व्यास ने जो श्लोक आदि बनाए वह कोई भगवान ने नहीं गाए हैं, खुद व्यास ने ही महाभारत में लिखा है कि ये जो कुछ मैं लिख रहा हूं ये मेरी मन की कल्पना है। तो बाबा कहे वह कोई भगवान ने नहीं गाए हैं, भगवान निराकार जो ज्ञान का सागर है वह बैठ बच्चों को समझाते हैं कि भगवान एक है। भारतवासियों को ये पता नहीं है, गाते भी है ईश्वर की गत मत न्यारी है। अच्छा कौन सी गत मत न्यारी है, ईश्वर की गत मत न्यारी है ये किसने कहा? आत्मा कहती है, उसकी सदगति के लिए जो मत है उसको श्रीमत कहा जाता है। कल्प कल्प तुमको आकर समझाता हूं, क्या मत देते हैं? मन मना भव, देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी भव। देह के कौन से धर्म है? गृहस्थ धर्म है, तो गृहस्थियों का जो धर्म है उसको त्याग। इसी तरह माता पिता का अपने बच्चों के प्रति जो धर्म है अर्थात जो कर्तव्य है, इसी तरह बच्चों का अपने माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है। आज कोई भी उस कर्तव्य के आधार पर जीवन नहीं जी रहा है। गृहस्थ धर्म में भी रहते हैं लेकिन गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा सर्व धर्म परि, बाकी ये जो हिंदू धर्म है
या क्रिश्चियन धर्म है, उस धर्म की बात नहीं की है, लेकिन सर्व धर्म परित्यज, अर्थात जो अनेक मते हमें मिली है, जिसको हमने अपना धर्म समझ लिया कि ये मेरा धर्म है, कर्तव्य को भी कहीं ना कहीं धर्म के श्रेणी में ले आए हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी भव, माम एकम याद करो। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, इस राजयोग की एम ऑब्जेक्ट है ही लक्ष्मी नारायण बनना। पढ़ाई से कोई राजा बनते नहीं, पढ़ाई से कोई राजा बनते नहीं है। ऐसा कोई स्कूल नहीं है, गीता में ही है, तुम बच्चों को राजयोग सिखाता। आता भी तब हूं जबकि कोई भी राजा का राज्य नहीं रहता है, मुझे एक भी मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों ने इतना बड़ा लिंग जो बनाया है, वह मेरा कोई यह रूप नहीं है। इतना बड़ा बाबा का कोई रूप नहीं है। मनुष्य कह देते कि अखंड ज्योति रूप परमात्मा तेजोमय है। अर्जुन ने देखकर कहा, बस करो, मैं सहन नहीं कर सकता। अरे बच्चा बाप का रूप देखकर सहन न कर सके, ये कैसे हो सकता है? बच्चा तो बाप को देख खुश होगा ना। बाप कहते हैं कि मेरा कोई ऐसा रूप थोड़ी है, मैं हूं ही परम पिता, अर्थात परे से परे रहने वाला परमात्मा, माना परमात्मा। फिर गाते हैं, परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, उनके भगत महिमा करते हैं। सत्युग त्रेता में कोई महिमा नहीं करते, क्योंकि वहां तो है ही सुख। गाते भी है, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। इनका भी अर्थ नहीं समझते हैं, तोते मुआफिक सब कहते रहते हैं। सुख कब है होता है, सुख कब होता है, दुख कब होता है, भारत की ही तो बात है, भारत की तो बात है ना। 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, फिर त्रेता में दो कला कम हुई, सत्युग त्रेता में दुख का नाम नहीं रहता, है ये सुखधाम। स्वर्ग कहने से मुख मीठा होता है, हेवन में फिर दुख कहां से आया? कहते हैं कि वहां भी कंस जरासंधी आदि थे, परंतु यह हो नहीं सकता। भक्त समझते हैं कि हम नौधा भक्ति करते हैं तो दीदार होता है, दीदार होना गोया हमको भगवान मिला, लक्ष्मी की पूजा की, उनका दर्शन हुआ, बस हम तो पार हो गए, इसमें ही खुश हो जाते हैं, परंतु है कुछ भी नहीं। अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, दर्शन हुआ खलास, ऐसे तो नहीं मुक्ति, जीवन मुक्ति को पा लिया, कुछ भी नहीं। बाबा ने सीढ़ी पर भी समझाया है, भारत ऊंचते ऊंच था, भगवान भी ऊंचते ऊंच है, भारत में ऊंचते ऊंच वर्षा है इन लक्ष्मी नारायण का। जब स्वर्ग था सतो प्रधान थे, फिर कलयुग अंत में सब तमो प्रधान होते हैं, पुकारते हैं, हम बिल्कुल पतित हो गए हैं। बाप कहते हैं, मैं कल्प के संगम युग पर आता हूं तुमको राजयोग सिखाने, मैं जो हूं जैसा हूं मुझे यथार्थ कोई नहीं जानते। ये सारे अक्षर भगवत गीता में है, मैं जो हूं जैसा हूं मुझे कोई यथार्थ नहीं जानते, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। सीढ़ी वाला चित्र दिखाना है, ये भारत की सीढ़ी है, सत्युग में देवी देवता थे, 5000 वर्ष पहले भारत ऐसा था, शास्त्र में लाखों वर्ष का कल्प लिख दिया है। बाप कहते हैं कि लाखों वर्ष का नहीं, कल्प 5000 वर्ष का है। सत्युग त्रेता नई दुनिया, द्वापर कलयुग पुरानी दुनिया, आधा आधा होता है ना,
नई दुनिया में तुम भारतवासी थे। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो, बाकी कोई रथ आदि की बात नहीं है। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। बाबा कहे कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। कृष्ण का वह रूप सिवाय दिव्य दृष्टि के देखा नहीं जाता। यह चैतन्य रूप से तो सतयुग में थे, फिर कब वह रूप मिल नहीं सकता? धीरे धीरे तो नीचे उतरते आए, तो जितने भी जन्म लिए एक रूप न मिले दूसरे जन्म में। फिर तो नाम रूप देश काल बदल जाता है। 84 जन्म लेते हैं, 84 जन्म में 84 माँ बाप मिलते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप ऑक्यूपेशन होता है। अब यह भारत की ही सीढ़ी है। तुम हो अभी ब्राह्मण कुलभूषण, बाप ने कल्प पहले भी आकर तुमको देवी देवता बनाया था। वहां तुम सर्वोत्तम कर्म करते थे, तुम सदा सुखी थे 21 जन्म, फिर तुमको इस दुर्गति में किसने पहुंचाया? मैंने कल्प पहले तुमको सदगति दी थी, फिर 84 जन्म लेते जरूर उतरना पड़े। धीरे धीरे नीचे सीढ़ी उतरते गए, तो इसीलिए बाबा कहे मैंने कल्प पहले तुमको सदगति दी थी, फिर 84 जन्म लेते जरूर उतरना पड़े। सूर्यवंशी में 8 जन्म, चंद्रवंशी में 12 जन्म, फिर ऐसे उतरते आए हो। तुम ही सो पूज्य देवता थे, तुम ही पुजारी पतित बने हो। भारत अब कंगाल है। भगवान उवाच, तुम जो 100% पवित्र और सॉल्वेंट, एवर हेल्दी एवर वेल्दी थे, कोई रोग दुख की बात नहीं थी, सुखधाम था, उनको कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। अल्लाह ने बगीचा स्थापन किया, जो देवी देवता थे वह अब कांटे बन गए। जो देवी देवता थे वह अब कांटे बने, अब जंगल बन गया है, जंगल में कांटे लगते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो, इसने आदि मध्य अंत तुमको दुख दिया है। एक दो पर काम कटारी चलाना यह सबसे बड़ा पाप है। बाप बैठ अपना परिचय देते हैं कि मैं परम धाम में रहने वाला परम आत्मा हूं। मुझे कहते हैं मैं सृष्टि का बीज रूप परमात्मा, मैं सबका बाप हूं। सभी आत्माएं बाप को पुकारती है कि हे परम पिता परमात्मा, जैसे तुम्हारी आत्मा स्टार मिसल है, बाबा भी परम आत्मा स्टार है। इतना क्लियर करके बाबा अपना परिचय दे रहा है, छोटा बड़ा नहीं है। बाप कहते हैं मैं अंगुष्ठे मिसल भी नहीं, अंगुष्ठे मिसल भी नहीं, मैं परम आत्मा हूं, तुम सबका बाप हूं। उसको कहा जाता है सुप्रीम सोल, नॉलेजफुल। बाप समझाते हैं मैं नॉलेजफुल मनुष्य सृष्टि के झाड़ का बीज रूप हूं। मुझे भक्त लोग कहते हैं कि परमात्मा सत चित आनंद स्वरूप है, वह ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, महिमा कितनी है। अगर नाम रूप देश काल नहीं तो पुकारेंगे किसको? साधु संत आदि सब तुमको भक्ति मार्ग के शास्त्र सुनाते हैं, मैं तुमको आकर राजयोग सुनाता। ये अंतर है। दुनिया के साधु संत महात्माएं शास्त्र सुनाते हैं और बाप आकर के राजयोग सिखाते हैं। बाप समझाते हैं कि तुम पतित पावन, मुझ ज्ञान सागर बाप को कहते हैं, है ना? पतित पावन भगवान को कहा जाता है, कोई मनुष्य के लिए ये टाइटल नहीं है, न कोई प्रकृति के तत्व के लिए। तो बाप समझाते हैं कि तुम पतित पावन, मुझ ज्ञान सागर बाप को कहते हो, तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। ज्ञान से सदगति मिल जाती है,
भारत को सदगति बाप ही देंगे। सर्व का सदगति दाता एक है, सर्व की दुर्गति फिर कौन करता है? बाबा अगर सदगति करते तो दुर्गति फिर कौन करता है? रावण। अब तुमको ये कौन समझा रहे हैं? यह है परमात्मा। आत्मा तो एक स्टार मिसल अति सूक्ष्म है, परमात्मा भी ड्रामा में पार्ट बजाता है, क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर। बाप समझाते हैं कि ऊंचते ऊंच पाठधारी कौन है? ऊंचते ऊंच भगवान, जिसके साथ तुम आत्माएं बच्चे सब रहते हो। कहते भी है कि परमात्मा सबको भेजने वाला है, यह भी समझने की बात है। कहाँ भेजते हैं, कैसे भेजते हैं, ये सब समझने की बात है। ड्रामा तो अनादि बना हुआ है। बाप कहते हैं, मुझे तुम कहते हो ज्ञान का सागर, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला। अभी यह जो शास्त्र आदि पढ़ते हैं, इनको बाप जानते हैं। बाप कहते हैं, मैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सभी शास्त्रों का सार आकर बताता हूं। दिखाते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, तो कहां निकला? मनुष्य तो जरूर यहां ही होंगे ना। इनकी नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर भगवान ने बैठ इनके द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार बताया, है ना? बाबा कहे, इनकी नाभि से ब्रह्मा निकला, अर्थात दादा लेखराज ही कैसे ब्रह्मा बनता है, तो मनुष्य तो जरूर यहां ही होंगे ना, तो इनकी नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर भगवान ने बैठ इनके द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार सुनाया, अपना भी नाम रूप देश काल समझाया है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है ना, इस वृक्ष की उत्पत्ति पालना विनाश कैसे होता है वह कोई भी नहीं जानता। इसको वैरायटी झाड़ कहा जाता है। सभी नंबरवार अपने समय पर आते हैं। पहले नंबर में देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूं, जबकि वह धर्म नहीं है। बाप कहते हैं कि कितने तुच्छ बुद्धि हो गए हैं। देवताओं की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु उनका राज्य सृष्टि पर कब था वह कुछ भी नहीं जानते। अभी भारत का वह देवता धर्म ही नहीं है, सिर्फ चित्र रह गए हैं, बाकी सब लुप्त हो गया। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का यह प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को यह प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, मास्टर ज्ञान सागर बन पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। बाप ने जो सब शास्त्रों का सार सुनाया है वह बुद्धि में रख सदा हर्षित रहना है। दूसरी पॉइंट, एक बाप की श्रीमत हर पल पालन करना है। देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, अपने दिव्य अलौकिक जन्म की स्मृति द्वारा मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव, अपने दिव्य अलौकिक जन्म की स्मृति द्वारा मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भवा। जैसे हर कुल के मर्यादा की लकीर होती है, ऐसे ब्राह्मण कुल के मर्यादाओं की लकीर है ब्राह्मण अर्थात दिव्य और अलौकिक जन्म वाले मर्यादा पुरुषोत्तम। वे संकल्प में भी किसी आकर्षण वश मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। जो मर्यादा की लकीर का संकल्प में भी उल्लंघन करते हैं
वो बाप के सहारे का अनुभव नहीं कर पाते। बच्चे के बजाय मांगने वाले भक्त बन जाते हैं। ब्राह्मण अर्थात पुकारना मांगना बंद, कभी भी प्रकृति व माया के मोहताज नहीं, प्रकृति व माया के मोहताज नहीं, वे सदा बाप के सिरताज रहते हैं। आज का स्लोगन है शांति दूत बन। अपनी तपस्या द्वारा विश्व में शांति की किरणें फैलाओ। शांति दूत बन। अपनी तपस्या द्वारा विश्व में शांति की किरणें फैलाओ। अच्छा, ओम शांति।